संकल्प मिथिलामंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य फ्री होम डिलीवरी बस एक कॉल हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। तो नमस्कार मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दरभंगा में बड़े नेताओं के आगमन का असर प्रत्याशियों पर पड़ रहा है और प्रत्याशी अब इस वक्त पूरी तरह सोच में पड़े हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि राजनीति खत्म हो चुकी है, अब कूटनीति प्रारंभ हो रही है और वरीय नेताओं के शब्दों के प्रभाव निश्चित तौर पर प्रत्याशियों को जीत दिला सकती है। तो जहां एक तरफ चिराग पासवान भी बहादुरपुर में आए, वहीं हम बता दें बहादुरपुर में आज तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो लगातार एक एक दिन में 16-16 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम बता दें कि दरभंगा में आज दो जगह उनकी सभा हुई है, जिसमें एक दरभंगा के राज मैदान में भी उन्होंने संबोधित किया तो दूसरा बहादुरपुर के बरवाड़ा में। हम बता दें बहादुरपुर से राजद के प्रत्याशी हैं आर के चौधरी और दूसरी तरफ दरभंगा शहरी विधानसभा से अमरनाथ गामी, दोनों को जिताने के लिए आज खुद उतरे हैं तेजस्वी यादव। हम बता दें तेजस्वी यादव ने वही शब्द कहा जो हर जगह कहते हैं, लेकिन उनका अंदाज कुछ और था। दरभंगा राज मैदान में हजारों की संख्या में लोग तेजस्वी यादव को सुनने आए थे, बड़ी संख्या में देखे लोग हैं वहां पर और ये बता रहे हैं कि किस तरह तेजस्वी यादव के समर्थन में लोगों का एक जुनून है, एक जोश है, एक उमंग है। वहीं बता दें बरवाड़ा में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां जमा थे और आर के चौधरी के जिताने के लिए मन से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया। हम बता दें माई समीकरण पूरी तरह एकजुट होने को दिख रहा है। जिस तरह बरवाड़ा में हजारों की संख्या में आर के चौधरी के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी और तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे हो रही थी, इससे साफ लगता है कि इस बार जो समय आ रहा है वो निश्चित तौर पर बता रहा है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता पिछले कुछ दिनों से अवश्य बढ़ी है। तो देखिए बरवाड़ा और दरभंगा के राज मैदान में क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। आज हमारे गरीब